नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से काफी रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करते हुए क्रिकेट के काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। वही दूसरी तरफ टाटा IPL 2023 की ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग हमें खुद BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से 2-3 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर। जी हां, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर थी, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की बहुत ही शानदार T20 सीरीज खेली, जिस T20 सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 महामुकाबला हमें कल हैदराबाद के स्टेडियम में देखने को मिला। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच रहा। चलिए थोड़ा सा हम इस महामुकाबले के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलियन टीम को यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। ऑस्ट्रेलियन टीम के ओपनर कैमरून ग्रीन और साथ ही साथ यहां पर इस टीम के शानदार हिटर टिम डेविड की तरफ से हमें तूफानी बल्लेबाजी इस महामुकाबले के दौरान देखने को मिली, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 20 ओवर में 6-7 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए थे। 187 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट यहां पर भारतीय टीम के सामने था। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, दोनों खिलाड़ी कुछ खास परफॉर्मेंस यहां पर नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, नंबर 3 पर आए विराट कोहली, नंबर 4 पर आए सूर्य कुमार यादव, दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी की, दोनों खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरी लगाई। सूर्य कुमार यादव ने छक्कों की बरसात की, विराट कोहली ने भी महामुकाबले में काफी शानदार बल्लेबाजी की। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने महामुकाबले को काफी रोमांचक अंदाज से फिनिश किया। जी हां, अंतिम ओवर में यहां पर भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में 6 विकेट से बहुत ही रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करके इन तीन मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से फाइनली यहां पर जीत लिया है, जिस जीत के साथ यहां पर काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड हमें टीम इंडिया की तरफ से, विराट कोहली की तरफ से, रोहित शर्मा की तरफ से बनते हुए दिखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी रिकॉर्ड्स की। तो फर्स्ट अपडेट यहां पर भारतीय टीम ने बना दिया है। जी हां, साल 2022 में यहां पर सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट में जीत अब भारतीय टीम को मिल गई। इससे पहले यहां पर पाकिस्तान का नाम था, लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान को यहां पर ओवरटेक कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड है रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान यहां पर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है T20 फॉर्मेट में। टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले सेकंड हाईएस्ट, मतलब जो कैप्टन बन गए हैं लिस्ट में, पहले नंबर पर धोनी है, दूसरे नंबर पर यहां पर अब विराट कोहली को ओवरटेक करते हुए रोहित शर्मा आ गए हैं। बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने। जी हां, विराट कोहली ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन अब यहां पर बना लिए। कल उन्होंने राहुल द्रविड़ सर को यहां पर सरपास कर दिया। अब यहां पर फर्स्ट नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, सेकंड नंबर आके विराट कोहली आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2023 को लेकर। और आप सभी को पता है कि फिलहाल एक चीज ट्रेंड में काफी ज्यादा चल रही है और वो चल रही है ट्रेडिंग विंडो, क्योंकि IPL 2023 के ऑक्शन से पहले हमें IPL की ट्रेड विंडो देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सभी लोगों के काफी सारे सवाल आ रहे थे आखिर कब यहां पर ट्रेड विंडो की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हमें यहां पर खुद BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से बड़ा अपडेट देखने को मिला, जहां पर भाई ऐसा बताया जा रहा है कि IPL 2023 के मिनी ऑक्शन से लगभग 35 दिन पहले यहां पर IPL 2023 की ट्रेड विंडो की शुरुआत होने वाली है, जिसे अगर हम अंदाजे की यहां पर बात करें भाई फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 में IPL 2023 की ट्रेड विंडो की शुरुआत हो जाएगी। काफी सारे खिलाड़ियों पर बड़ी गहमा गहमी रहने वाली। आपके यहां पर रविंद्र जडेजा का नाम है, शुभमन गिल का नाम है, तेवातिया जैसे खिलाड़ियों के भी नाम यहां पर निकल कर आ रहे हैं। इनके ट्रेड को लेकर लगातार यहां पर डिस्कशन चल रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं यहां पर ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग BCCI की तरफ से ऑफिशियल अपडेट
अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में 2-1 से रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करने के बाद अब अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पूरा कार्यक्रम शेड्यूल वे न्यूज टाइमिंग टेलीकास्टिंग लिस्टिंग डिटेल से और दोनों टीमों के फाइनल स्क्वाड्स यहां पर ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। 28 सितंबर से इस सीरीज की शुरुआत होने वाली है। इस सीरीज के रिगार्डिंग जितनी भी टॉप इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर हमने कल अपने चैनल पर एक वीडियो डाल दी थी, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पर आपको इस सीरीज से जुड़ी A to Z हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छी तरह से विस्तार से देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर। जी हाँ, आपको पता है कि भाई हमें 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच यह शानदार टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलने वाले की लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के रिगार्डिंग हमें बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली, जहां पर भाई कल फाइनली स्टार स्पोर्ट्स ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया है कि साल 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को भारत में स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करने वाले हैं। स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स इंदौर, उसके अलावा जितने भी इनके अल्टरनेट HD चैनल्स हैं, सभी चैनल्स पर इस पूरे के पूरे बड़े टूर्नामेंट की लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हां, कल 25 सितंबर को महेंद्र सिंह धोनी की अनाउंसमेंट काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी, काफी सारे लोगों को अभी तक भी नहीं पता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने क्या अनाउंसमेंट की, किस टाइप का अपडेट था। तो आपको बताना चाहूंगा कि वो जो लाइव टेलीकास्टिंग हुई थी वो यहां पर एक ब्रांड के प्रमोशन के रिगार्डिंग हुई थी। जी हां, ओरियो बिस्किट्स का नाम आप सभी लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से सुना होगा, उसी के प्रमोशन के लिए यहां पर मतलब ओरियो कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम से एक नया वेरिएंट निकाला है, उसको यहां पर लॉन्च किया। तो ऐसे में उसी लॉन्च इवेंट को लेकर यहां पर कल महेंद्र सिंह धोनी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव आए थे। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है अफ्रीकन T20 लीग यानी मिनी IPL 2023 को लेकर और बहुत ही बड़ा अपडेट ब्रेकिंग न्यूज स्टेडियम्स को लेकर है। जी हां, कल यहां पर अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड और सभी IPL की फ्रेंचाइजियों ने जारी कर दिया कि 17 जनवरी से यह शानदार टूर्नामेंट हमें साउथ अफ्रीका के 6 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलेगा। राउंड रोबिन और जिस तरह से मतलब IPL का पुराना फॉर्मेट था बिल्कुल उस तरह से हमें यह पूरा का पूरा सीजन देखने को मिलने वाला है। हर टीम को 6 की 6 टीमों को यहां पर अपने अपने होम ग्राउंड्स मिलने वाले हैं और उसके अलावा कुछ मैचेज होम में होने वाले हैं, कुछ मैचेज अवेज में होने वाले हैं, जिसके चलते टूर्नामेंट यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, यह 26 सितंबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।